नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह। हमारे YouTube चैनल अर्जुन सिंह टेक्नीशियन में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाला हूं मैं कि प्रोडक्टिव पैनल का कनेक्शन कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगता है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को प्रोडक्टिव पैनल का कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। ये हमारा ऐसे फ्यू है जो हम इसको मेन स्विच कहते हैं। ये 400 एम्पियर का है। ठीक है, ये हमारा ईओटी करेंट का ऐसे फ्यू है, 400 एम्पियर लिखाया है ये। ठीक है, इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे ये कनेक्शन, ये आर वाई बी का। ठीक है, जिसमें दो तार जाएंगे। ठीक है, एक तो हमारा फेस का जाएगा, एक जाएगा हमारा इंडिकेटर के लिए। देखिए ये पीछे में जो दिए हैं, ये छोटा वाला तार ये हमारा इंडिकेटर में जाएगा, और ये जो मोटा वाला लाल कलर का दिख रहा है ये हमारा फेस में जाएगा। ठीक है, इस तरह से तीनों का कनेक्शन कर लेंगे। आर वाई बी यानी तीनों फेस का ये यहाँ से कनेक्शन हो गया। ये अच्छे से इसको पाना में टाइट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा तीनों फेस का कनेक्शन हो गया। ये हमारा कॉन्टेक्टर में जाएगा। ठीक है, ये हमारा आर वाई बी कॉन्टेक्टर में जाएगा। ये हमारा कॉन्टेक्टर सीमेंस कॉन्टेक्टर में जाएगा। ये देखिए इसमें एक तार लगा हुआ है, ये तार जो है हमारा ट्रांसफार्मर को 110 ट्रांसफार्मर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसमें दो फेस हम देंगे आर वन और बी वन को। ठीक है, तो इसमें तार डबल डालेंगे, एक तो हमारा SFU से आया है वो तार डालेंगे, और एक छोटा तार 2 mm का हमारा ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, इस तरह से देखिए ये हमारा वाई, बीच में वाई टाइट होगा और लास्ट में हमारा बी ब्लू। देखिए इस तरह से इसको पाना से टाइट कर दीजिए, लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए। और ये हमारा देखिए ये तार, ये हमारा R1 और B1 हमारी ये डायरेक्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जाएगा 1 kV में। तरह से है हमारा RYB तीनों अच्छे से टाइट हो गए। ये देखिए टाइट हो गया, और देखिए इसका कनेक्शन देखिए, ये हमारा इधर से देख लीजिए, अच्छे से दिखा रहा हूँ मैं। ये जो हम पहले टाइट किए थे ये हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा R, ये Y और ये हमारा B, ये हमारा डायरेक्ट इंडिकेटर में जाएगा पैनल के बाहर में जो इंडिकेटर लगा रहता है 3 फेज उसमें। ये देखिए यहाँ से आया डायरेक्ट हमारा ये RYB न्यूट्रल। ठीक है, ये तीनों हमारा इधर से आया, और ये पैनल के बाहर में जो लगा रहता है इंडिकेटर जो हमको, ये देखिए ये तीनों इंडिकेटर है, ये R,
वाई और ये बी, ठीक है। तीन कलर का इंडिकेटर है, ये हमारे देखिए पैनल के बाहर में लगा रहता है, ठीक है। तो ये और ये हमारा आर वन और डी वन, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा। ये देखिए आर वन और बी वन इधर से आया, ये हमारा 16 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है, ये हमारा आर वन और बी वन हमारा इधर से आके हमारा आर टू और बी टू ये हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा, ठीक है। 440 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर में इन होगा और 110 वोल्टेज हमारा इधर से, ये देखिए 110 वोल्टेज इधर से हमारा आउट करेगा, ठीक है। इधर से गया और ये हमारा 6 एम्पियर का एमसीबी लगा हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए 110 वोल्टेज और ये हमारा एक कॉमन, ठीक है, ये कॉमन हमारा जीरो है। इधर से जाके हमारा ये 6 एम्पियर का एमसीबी है, जिस जाके हमारा ये बस वायर में कनेक्ट हो गया दोनों, ये हमारा 110 वोल्टेज आएगा इसमें। यहाँ से हम तीनों फेस के लिए देंगे, ये तीनों फेस सॉरी तीनों पैनल के लिए देंगे, एलटी सीटी और होस्ट के लिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये हमारा एलटी का सीटी का ये होस्ट का, ठीक है। इस तरह से हम कनेक्शन दे देंगे पैनल को। उसके बाद यहाँ से हम ये हमारा तीनों फेस है और ये तीनों हमारा न्यूट्रल है, ठीक है, ये पैनल में चला गया हमारा, ठीक है, यहाँ से पैनल में चला गया, ये हमारा एलटी का पैनल और सीटी का पैनल और होस्ट का पैनल में, यहाँ से ये देखिए इधर से तीनों तार चला गया। उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये हम इसको ऑपरेट करना है, ये देखिए इसको कंडक्टर को ऑपरेट होगा, देखिए हमारा 333 और 334 ये हमारा मेन कंडक्टर को ऑपरेट करेगा रिमोट से, ठीक है। ये ऑन करते ही देखिए, ये ऑन होते ही ये हमारा इधर से सप्लाई ऑन हो जाएगा, तीनों बस वायर लगा हुआ है, देखिए आर वाई बी तीनों बस वायर लगा हुआ है, लाल पीला और ब्लू, ठीक है। तो चलो इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूँ पहले, ठीक है। ये हमारा मेन होस्ट का है, मेन होस्ट का पैनल में जाएगा ये, आर वाई बी हमारा मेन होस्ट के पैनल में जाएगा, मेन होस्ट का पैनल में जाएगा तीनों को अच्छे से टाइट कर लीजिएगा, लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए। और ये हमारा एलटी का है, थोड़ा टाइट कर लेता हूँ उसको, तब मैं आप लोगों को इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ गया है इसको भी बताऊँगा, ठीक है। ये देखिए ये हमारा होस्ट का पैनल है, ये देखिए ये हमारा होस्ट का पैनल है, यहाँ से आया, ये हमारा ये एमसीसीबी में जाएगा, ठीक है, एमसीसीबी से हमारा ये रिवर्स पावर का कॉन्टेक्टर में जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा मेन होस्ट का ये पैनल है, ठीक है। इसका भी एक वीडियो बना दूंगा, रेजिस्टेंस इधर मोटर में जाएगा, बाकी सब रेजिस्टेंस का है, ठीक है। और ये हमारा एलटी का है, ये हमारा आर वाई बी हमारा ये एलटी में जाएगा, हमारा मेन कनेक्शन है ये एलटी में, मेन सप्लाई जाएगा यार, और ये हमारा
बी, सॉरी ये वाई और ये बी, इस तरह तीनों तार ये हमारा एलटी का है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एलटी का भी तार कनेक्ट हो गया है। अच्छा से टाइट कर दीजिएगा, लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये हमारा एलटी का है, जो हमारे ये एलटी पैनल में चला गया कनेक्टर से, ये हमारा एमसीबी में जाएगा। ये 63 एम्पियर का हमारा एमसीबी लगा हुआ है, ये देखिए, ठीक है, ये एमसीबी से कंडक्टर में चला जाएगा। ये हमारा सीटी का है, ये आर वाई बी, ठीक है, ये तीन फेस आर वाई बी हमारा सीटी का है। ये इस तरह से ये अच्छे से टाइट कर लीजिए इसको भी, चलो इसको टाइट कर लेते हैं तब आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा बी, इसको भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। ये देखिए इस तरह से हमारा ये यहाँ सीटी का पैनल में ये आया है। ये देखिए हमारे मोटर का पॉइंट है, बाकी रेजिस्टेंस का दो पॉइंट है, ठीक है, किनारे वाले जान तो रहे हैं। ये हमारा सीटी का, एलटी का और ये होस्ट का, तीनों ये तीनों पैनल का हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। चलो अब मेन SFU का इनकॉमर देख लेते हैं। ये हमारा मेन इनकॉमर है, DSL से आएगा और डायरेक्ट ये हमारा नीचे तीनों RY बीम कनेक्ट हो जाएगा, जिस तरह से ये तीनों पॉइंट में कनेक्ट हो जाएगा और हमारा SFU चालू हो जाएगा। इस तरह से ये इसका कनेक्शन कंप्लीट हुआ। तो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। अगला वीडियो में बताने वाला हूँ कि रिमोट का कनेक्शन कैसे किया जाता है, बॉडी ट्यूब पैनल से लेकर रिमोट तक का कनेक्शन करके आप लोगों को अगला वीडियो में दिखाऊंगा।